is myself Kashushmita Pradhan. Today we discuss standard 3 SST question answer. Chapter 3 ki question answer. Then number 1 multiple choice questions. The 4 options diye gaye hain, usme se choose karke aapko likhna hai. Which of the following number 1 mein diye gaye hain, which of the following vegetable is used as salads? For options, हाँ, 4 options दिया गया है. Cucumber, carrots, radish, all of these दिया गया है. तो उसमें से क्या होगा? All of these होगा, नहीं? क्योंकि ये सारे के सारे होगा कि नहीं? ये सारे के सारे को हम किस में यूज करते हैं कि salads में यूज करते हैं, नहीं? Then number 2, dash kills germs and bacteria found in the food. तो cutting, biting, then cooking, none of these. उसमें से क्या होगा? क्योंकि cooking करने से उसके सारे के सारे germs जो food में होगा, presence होगा, वो क्या हो जाएगा कि kills कर देगा वो ने. Then number 3 में ये picture दिया गया है, वो किसके picture है कि वाला baking क्या होगा? चपाती होगा ने. Then number 4 में दिया गया है, which of the following statement regarding the food is wrong? ये दिया है food providers energy, food repairs energy. Bones and skin, that food cannot heal the wounds, children should eat healthy food. तो उसमें से कौन सा वाला wrong होगा कि इसमें से wrong होगा food cannot heal the wounds. Then number 5 में दिया गया है, a diet that contains all kinds of food is called a which type of diet? उसको कहते हैं balanced diet. Yes or no? Then number 6. Number 6, dash is a junk food. For options, fruits, vegetable, burger, milk. उसमें से कौन सा वाला junk food होगा कि burger होगा, ने? Then number D में दिया गया है क्या है कि fill in the blanks with the help of the word given in the help box. जैसे कि digest, milk, balanced, then fat. First number 1, a dash diet include all kinds of nutrients, जिसमें जो सारे के सारे nutrients कौन सी वाला खाना में होता है कि balanced diet में ने. Then eating too much of junk food can make us ज्यादा हम क्या खाएंगे कि junk food खाने से क्या बनेंगे fat हो जाएंगे, मोटी बन जाएंगे ने, मोटा हो जाएंगे. Then we should take sufficient water because it helps us to digest the food. हमें क्या करना है कि जो water हमें क्यों पीते हैं कि क्योंकि उसमें से food digestion होने में वो मदद करती है. Then the food that makes our bones and teeth strong is digest. कौन हमारे teeth और bones को strong बनाता है? वो होगा milk. तो ये this chapter is already completed. Then now we read chapter 4, the dresses we wear. Chapter 4, the dresses we wear. जैसे कि हम क्या है chapter 3 में पढ़े थे, हम different types of food खाते हैं, ऐसे भी हम different clothes भी पहनते हैं, नहीं क्या? जैसे हमारे different type के religion के लोग हमारे India में, क्योंकि बहुत types के religion के लोग हैं, Muslim, Christian, ऐसे different type के लोग रह रहे हैं, और अलग अलग सबके खाना जैसे सबके अलग अलग सा क्लॉथेस भी वो पहनते हैं, सबके ड्रेस एक जैसे नहीं होते हैं, दिखे हो कि नहीं कभी? तो देखो यहाँ पे जैसे कि देखो यहाँ पे हमारे इंडिया में दिया गया है, देखो हमारे इंडिया कंट्री में, हमारे इंडिया में बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथेस सब पहने हैं, वोमेन के ड्रेसेस भी अलग है, देन मेन के ड्रेसेस भी अलग है, नहीं सबके ड्रेसेस ऐसे इसीलिए अलग है. क्यों तो पढ़ेंगे क्यों अलग है, उसके खाने अलग है, उसके लैंग्वेज अलग है, उसके ड्रेस अलग है, बट व्हाई? तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे. वी नोटिस दैट पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया वी वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस. तो देखो इंडिया के पीपल डिफरेंट जगह में रह रहे इसीलिए वो डिफरेंट टाइप के क्लॉथेस पहनते हैं, ये सब नो. देन द डिफरेंस इज ड्यू टू डिफरेंट लैंड फॉर्म, डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन, रिलीजियस, सोशल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी. इसीलिए हमारे लोग क्या है कि इंडिया के पीपल सारे जगह डिफरेंट डिफरेंट के क्या पहनते हैं, ड्रेसेस पहनते हैं, ये सब नो. देन सम ड्रेसेस आर हाउएवर कॉमन थ्रू आउट इंडिया, धोती कुर्ता, कुर्ता पायजामा एंड पैंट शर्ट एमंग मेन एंड सलवार कमीज एंड साड़ी विथ ब्लाउज एमंग वोमेन आर द मोस्ट कॉमन ड्रेसेस ऑफ आवर कंट्री. तो देखो हमारे इंडिया के मेन स्पेशली कौन सा ड्रेस को वो पहनते हैं, मेन्स के ड्रेसेस, हाँ मेन्स ड्रेसेस कौन सा स्पेशली वो पहनते हैं? तो स्पेशली देखो धोती कुर्ता, धोती के साथ क्या पहनते हैं, कुर्ता, देन कुर्ता पायजामा, कुर्ता के साथ पायजामा एंड पैंट शर्ट, ये सारे के सारे हमारे इंडिया के ज्यादा पीपल ये पहनते हैं. हाँ देन ऐसे भी वुमेन्स
गर्ल्स भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथेस पहनते हैं कि नहीं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साड़ी पहनते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेसेस पहनते हैं कि नहीं, तो उसमें से वुमेन्स ड्रेसेस में कौन सा जाएगा वुमेन ड्रेसेस में? हाँ, जैसे कि क्या जाएगा, सलवार, सलवार कमीज एंड साड़ी के साथ क्या पहनते हैं? आपके मम्मी तो पहन रहे होंगे, दिखे हो कि नहीं, देन साड़ी विच ब्लाउज, तो साड़ी के साथ क्या पहनते हैं कि ब्लाउज पहनते हैं। ये हमारे इंडिया के क्या है कि डिफरेंट जो स्टेट है, डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथेस पहनते हैं। तो देन नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे कि थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे क्या क्या और थोड़ा पढ़ेंगे, मैं तो ओनली थोड़ा सा बता दी, लेकिन और ज्यादा जाओ उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो वुमेन्स ड्रेसेस क्या है? देन दी वुमेन इन आवर कंट्री आर फॉन्ड ऑफ वेयरिंग कलरफुल ड्रेसेस। देखो हमारे कंट्री में ज्यादा पीपल बहुत कलरफुल ड्रेसेस पहनना सबको अच्छा लगता है, ज्यादा कि प्लेन पहनना, किसी को प्लेन पहनना अच्छा लगता है, किसी को ज्यादा कलरफुल पहनना अच्छा लगता है, लेकिन ज्यादा लोग कलरफुल पहनने के लिए ज्यादा पसंद करती है ना। देन मोस्ट ऑफ देम लाइक टू ट्राई ए साड़ी विथ ब्लाउज, घाघरा विथ चोली और वेयर सलवार एंड कमीज। ये सारे के सारे हमारे कंट्री के वुमेन पहनते हैं। देखो मैं थोड़ा पिक्चर दिखाती हूँ, देखो ये वाला क्या है कि ये वाला साड़ी पहने है कि नहीं, ये वाला औरत, देन ये वाला घाघरा चोली, देन ये वाला कमीज एंड सलवार विथ दुपट्टा, दुपट्टा भी देते हैं ने। देन ऐसे तो देखो और क्या है कि वुमेन और भी क्या है कि उसके जो देते हैं, उसके सर में देते हैं कि नहीं, जो क्लथेस देते हैं उसको क्या कहते हैं? मम्मी ने भी, आपके मम्मी ने भी एक बार दिए होंगे, दिखे होंगे ने, उसको बोलते हैं ओढ़नी। से वो ओढ़नी से उसके हेड को कवर करते हैं ने। देन तो साड़ी इज ओन इन डिफरेंट स्टाइल एंड डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया। देखो साड़ी तो पहनते हैं लेकिन साड़ी को भी डिफरेंट स्टाइल में पहनते हैं ने। तो कैसे कैसे, जैसे कि इट इज इजी टू आइडेंटिफाई द स्टेट फ्रॉम द स्टाइल ए वुमेन टायर हर साड़ी, देन उसमें से पता चलेगा कि ये कौन सी स्टेट में वो बिलोंग करती है, ठीक है नहीं। देन सम गर्ल्स इन सिटीज आर फॉन्ड ऑफ वेयरिंग द ड्रेसेस इन द वेस्टर्न स्टाइल, लेकिन जो टाउन के जो गर्ल्स है वो कैसे टाइप के पहनते हैं कि वो ज्यादा क्या वेस्टर्न टाइप के क्लॉथेस पहनते हैं। देखो वेस्टर्न टाइप के क्लॉथेस कैसे हैं, ये वाला देखो, ये वाला कश्मीरी के ड्रेस कैसे हैं, अलग ही है कि नहीं, ये वाला बंगाली के ड्रेस कैसे हैं, तो उसमें से पता चल रहा है ये ऑब्वियसली कहाँ पे, वेस्ट बंगाल के क्लॉथेस होंगे, ये वाला जम्मू कश्मीर जो कश्मीरी में जो रह रहे हैं वाला कश्मीर के क्लॉथेस जरूर होंगे, ये वाला वेस्टर्न टाइप के ड्रेस है। हम देन कम्प्लीट हो गया फर्स्ट वन वुमेन्स ड्रेसेस कम्प्लीटेड, देन नाउ मेन्स ड्रेसेस। हाँ, मेन ऑल्सो वेयर ए लार्ज वेराइटी ऑफ ड्रेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इन सिटी मोस्ट ऑफ द मैन लाइक टू वेयर शर्ट एंड ट्राउजर, कुर्ता एंड पायजामा और कुर्ता एंड धोती, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, यस नो। देन इन तमिलनाडु मैन वेयर लुंगी विच इज कॉल्ड वेस्टी, देखो जो लुंगी तो पहनते हैं लेकिन जो तमिलनाडु में जो लुंगी पहनते नहीं उसको बोलते हैं, हमारे एरिया में स्पेशल उसको बोलते हैं लुंगी, लेकिन जब वो तमिलनाडु में जो पहनते हैं लुंगी को वहां पे वो बोलते हैं उसको वेस्टी बोलते हैं। देन केरला के पीपल भी ऐसा पहनते हैं लुंगी, लेकिन वहां पे लुंगी नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं मुंडू, ठीक है ना। देन मेन इन वेस्ट बंगाल एंड आसाम मोस्टली वेयर धोती एंड कुर्ता, लेकिन ज्यादा पीपल जो वेस्ट बंगाल और आसाम के लोग ज्यादा किसमें क्या पहनते हैं कि धोती के साथ कुर्ता ज्यादा पीपल ये पहनते हैं। देन जैसे कि वुमेन उनके हेड में कवर करने के लिए क्या देते हैं कि ओढ़नी देते हैं, ऐसे भी हमारे सो वो मैन है वो भी उनके कवर करते हैं कि नहीं उसके हेड को। देन सो मैन ऑल्सो वेयर ए कैप और टाई ए टर्बन टू कवर देयर हेड्स, देन कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो मैन होते हैं उसके कवर करने के लिए हेड को कैप या टर्बन यूज करते हैं। देन दी गांधीयन कैप इज ओन बाय मेनी पीपल पर्टिकुलरली इन गुजरात, गुजरात के पीपल कौन से टाइप के ज्यादा वो गांधीयन कैप के टाइप के कैप पहनते हैं। तो ये पता चल गया, हम तो पढ़ लिए ड्रेसेस के बारे में, वुमेन्स ड्रेसेस कम्प्लीटेड, देन मेन्स ड्रेसेस ऑल्सो कम्प्लीटेड। देन नेक्स्ट में और भी बहुत टाइप्स के ड्रेसेस हम के बारे में पढ़ेंगे, तो उतना देन नेक्स्ट क्लास में, और भी थोड़ा सा फूड के बारे में, फूड में क्या क्या पहनते हैं, तो कम्प्लीट हो गया ना।